मुरादाबाद जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अनुपमा शांडिल्य का लखनऊ में बाल विकास सेवा और पुष्टाहार विभाग उप निदेशक पद पर पदोन्नति हुई है। पदोन्नति होने पर डॉक्टर अनुपमा शांडिल्य ने बुधवार को जनपद मुरादाबाद और सम्मानित पत्रकार बंधुओं और मीडिया बंधुओं का उनके सदैव सकारात्मक सहयोग के लिए आभार सभा का आयोजन किया। उप निदेशक डॉक्टर अनुपमा शांडिल्य ने मुरादाबाद में 10 साल जिला कार्यक्रम अधिकारी के रूप में सेवा प्रदान की। उन्होंने सभी पत्रकारों का आभार करते हुए कहा कि मुरादाबाद जनपद के सभी पत्रकारों का उन्हें काफी सहयोग मिला है, जिसके लिए उन्होंने सभी पत्रकारों का धन्यवाद अदा किया है। उन्होंने कहा कि मुरादाबाद जनपद के सभी पत्रकारों का व्यवहार काफी अच्छा है। अपने जितने भी पत्रकार बंधु हैं, मीडिया के बंधु हैं, उनका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने बहुत ही सकारात्मक सहयोग मुझे इतने गत लगभग 10 वर्षों में दिया, और विभाग के प्रति जो सकारात्मक रवैया उनका रहा, भविष्य में भी उसी प्रकार से बना रहे। और जो ये दायित्व नया सौंपा गया है उपनिदेशक के पद पर, मेरी प्रायोरिटी में भी जरूर रहेगा हमेशा, क्योंकि मुरादाबाद के लिए इतना समय मेरा व्यतीत हुआ कि मुरादाबाद उसी रैंक को बनाए रखे और रदर और नए अनुभवों के साथ जो प्रयास हों यहाँ पर, उसकी उसमें उसके स्तर में निरंतर सुधार रहता रहे, चाहे वो प्रशासनिक स्तर पर रहा हो या मेरे स्टाफ के स्तर पर रहा हो, विभागीय सभी जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं उनका सहयोग रहा हो, मैं उस सब के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। और मेरी स्मृतियों में ये समय शायद सबसे, जिसे कहते हैं, सुंदरतम समय में से रहेगा, और भविष्य में नई किसी कैपेसिटी के साथ कभी मुझे अवसर मिला तो मेरी फर्स्ट चॉइस होगी कि मैं मुरादाबाद में सर्विसेज अपनी दे पाऊँ। मैम, लखनऊ के उपनिदेशक पद पर हो गया, आगे क्या प्रयास रहेंगे? अब तो पूरे उत्तर प्रदेश का आप प्रभारी रहेंगे। देखिए, इतना बेहतर विभाग है, महिलाओं और बच्चों से संबंधित है। जब मैंने समाजशास्त्र में MA किया, MPhil और PhD किया, तब मैंने यही सोचकर डिपार्टमेंट ज्वाइन किया कि ये प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है उस ज्ञान का जो कुछ भी मैंने पढ़ा, और मैं उसी विषय को एक तरीके से इस विभाग में जीती रही और हमेशा उसी विषय को जीऊँगी। और जो सामाजिक स्तर पर जो भी काम है महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए, उसके लिए मैं सदैव प्रयासरत रहूँगी। और जो भी योजनाएं हैं, ये मेरा अपने आप से वायदा है कि पारदर्शी तरीके से उसी रूप में ये लागू रहेंगी। और विभाग अगर कहीं भी जिस भी स्टेचर पे है, उसमें मैं किसी भी प्रकार उन्नति में योगदान दे सकूं, तो मैं अपने कार्यकाल को सार्थक समझूंगी। वरिष्ठ पत्रकार विशाल शुक्ला ने भी उनके द्वारा मुरादाबाद में 10 साल बाद विकास सेवा और पुष्टाहार विभाग में किए गए कार्यों की सराहना की। और आपका एक व्यवहार ही ऐसा था, शायद ही कोई, जैसे हमारे साथी सारे लोग बैठे हैं यहाँ पे, शायद ही कोई ऐसा कहेगा कि मैडम ने हमेशा सहयोग किया। बिल्कुल, कुछ भी हो, मतलब हम लोगों का हमेशा दोनों तरफ से होता है। तो मैम ने एक ऐसा अपना वो बनाया था कि मैंने देखा कि मैंने सारी कई सरकारें भी देखी, BSP, सपा और भाजपा, तमाम सरकारें आई, लेकिन हर सरकार में कार्यक्रमों का संचालन करते हुए मैंने देखा। और एक बार प्रोफेसर राम गोपाल ने की बहुत तारीफ की मंच से, या BJP के कोई कार्यक्रम होते वहाँ उन्होंने दिए, तो कभी विघे नहीं रहा, कभी कोई मतलब एक तरीका होता काम करने का। तो मैडम से काफ़ी चीज़ें सीखने वाली थी दूसरों को, जो इनके साथ काम करने वाले लोग हैं, आने वाले सीख के लोग हैं। और विभाग को जिस तरह संचालित किया, चलाया, नई चीज़ों को लागू करवाया, अपने व्यक्तिगत प्रयास किए, जो इन्होंने महिलाओं को जोड़ा, 100 से ज़्यादा आंगनबाड़ी केंद्र कुछ लोगों ने बोल दिए, जो पोषण के लिए व्यवस्थाएं कराई, चाहे उसमें कोई अलग अलग प्रोजेक्ट इसमें बोला, कई बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, कभी उन्होंने ऐसी शिकायत नहीं की। मान लीजिए जो आप कई लोग ऐसे होते थे कि अगर आप कोई खबर छाप दें तो पहना नहीं क्या होंगे, तो उनका कि नहीं, अच्छाई और बुराई दो पहलू होते हैं हर चीज़ को, दोनों चीज़ें सामने आनी चाहिए, हम सुधार तो कभी करेंगे। ये अप्रोच अगर आप रखेंगे तभी आप सक्सेस होंगे। अगर आप यही सोचेंगे खाली हमारी अच्छी बात चलती रहे, कभी उन्होंने शिकायत नहीं की, कहीं अपनी चीजें शेयर करती थी, क्योंकि मैडम लेट हो जाती थी, हम लोग अपने स्तर से 10 बजे गाड़ी भेजी हमेशा।
इस मौके पर डीओ सतीश मिश्रा, पत्रकारों में मोहसिन पाशा, शहाबुद्दीन, सतीश सक्सेना, धर्मेंद्र आदि कई पत्रकार मौजूद रहे।